हेलो दोस्तों, KGH हैकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं कुणाल गुप्ता। आज मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे लोगों के ये कमेंट आते हैं कि फोन पे को क्या हैक किया जा सकता है, किस किस तरीके से फोन पे को हैक किया जा सकता है और फोन पे हैक होता है या नहीं होता है, इसका आज मैं आपको विवरण देने वाला हूं। सिंपली फोन पे कैसे होता है, हैक होता है बता दूं आपको मैं मेरा फोन पे खोल के दिखाने वाला हूं। जैसे ही मैं मेरा फोन पे ओपन करता हूं, बहुत सारे लोग यहां पर ओनली पासवर्ड लगाते हैं, मैं यहां मेरा फिंगर लगा रखा है, जैसे मैं फिंगर को ऑन करूंगा तो ये खुल जाता है। अब लोग ये सोचते हैं कि भैया मेरे ऑटोमेटिकली पर मंथ 2,000 या 3,000 रुपये कट जाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, जैसे आप किसी भी ऐप में पेमेंट इन्वेस्ट करते हो, मानो आप पेटीएम में करते हो, किसी ट्रेडिंग में करते हो, थर्ड पार्टी ऐप में अगर आप पेमेंट कभी सेंड किया है तो वहाँ आप एक लिंक पे जाके आपको वहाँ पेमेंट ऐड करना होता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें एक सेटिंग ऑन हो जाती है आपको आउट पे, और वो आउट पे एक ऐसी सेटिंग है जिसको अगर आप ऑन करके रखते हो तो पर मंथ उसी डेट पर पेमेंट करता रहता है और आपको पता ही नहीं चलता। आप देखते हो मैंने किसी को ट्रांसफर किया ही नहीं बट मेरा पेमेंट कट गया। तो उसको बंद कैसे करते हैं, सिंपल यहाँ आपके जो प्रोफाइल का आइकन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे आउट पे, और जैसे आप आउट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे वो जो साइड जिस साइड पे आपको पेमेंट पर मंथ ऑटोमेटिकली करता है वो आ जाएगा, और आप इसमें क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको नीचे लिखा हुआ आगे डिलीट आउट पे, तो आपको यहाँ पर डिलीट आउट पे कर देना है। इससे क्या होगा कि आपको जो पेमेंट ऑटोमेटिकली पर मंथ कट रहा है वो यहाँ से कटना बंद हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो थर्ड पार्टी में ऐप में पेमेंट इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसको बंद करना भूल जाते हैं, फिर उनके पर मंथ पैसे कटते रहते हैं, उनके दिमाग में ये रहता है कि मेरे फोन पे किसी ने हैक कर लिया और वहाँ से पेमेंट काटते हैं। बट ऐसा नहीं, फोन पे कोई हैक नहीं कर सकता। बट आप किसी लिंक पे क्लिक करके या किसी आपको QR कोड को स्कैन करके पेमेंट पे करते हो और यहाँ पर आउट पे की सेटिंग ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है, तो इसको यहाँ से बंद करना है। इसी तरीके से आप फोन पे को हैक होने से बचा सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि मेरा फोन पे हैक हो गया, मैंने पिन डाले, पेमेंट कट गया। भाई जब भी आप किसी से पेमेंट रिसीव करते हो, आप जब भी किसी से पेमेंट रिसीव करते हो तो उसके लिए आपको बार कोड स्कैन नहीं करना। अगर आपको कोई बार कोड स्कैन डालता है और आप बार कोड को स्कैन करते हैं, आपके डिस्प्ले पे पेमेंट्स तो होता है 3,000-4,000, तो इसका मतलब पेमेंट उसके अकाउंट में जाने वाला है और आपके अकाउंट से कटने वाला है। अगर आपको पेमेंट रिसीव करने का कोई ऐसी लिंक आती है तो लिंक पर क्लिक नहीं करना, या किसी प्रकार के लिंक पर आपको बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना। अगर आपको अपना फोन पर सिक्योर रखना तो 3 चीज़ें जरूर ध्यान रखनी है। फर्स्ट चीज़ का ध्यान रखना है, आपका जो पासवर्ड है वो डिफिकल्ट पासवर्ड सेव करना है। जैसे आपने नंबरिंग यूज कर लिए, कैपिटल लेटर यूज कर लिए, स्मॉल लेटर यूज कर लिए, उसके अलावा सिंबल्स यूज कर लिए, ये हो गया पासवर्ड सेट करना। इसके बाद हो गया किसी भी थर्ड पार्टी ऐप को क्लिक नहीं करना, किसी भी थर्ड पार्टी ऐप पर क्लिक करके कोई लिंक शेयर नहीं करना, और अगर किसी लिंक पर क्लिक करके अगर आप पेमेंट पे कर रहे हो तो वह ऐसी गलती नहीं करना। उसको बोल दो मैं फोन पे गूगल पे कर दूंगा, उसके बाद आप उसको पेमेंट कर सकते हो। अगर आप थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू पेमेंट करते हो तो यहाँ पर ऑटोमेटिकल जो मैंने अभी आपको सेटिंग बताई थी आउट पे की, वो आपको एक्टिव हो जाएगी और हर मंथ पेमेंट करना स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या है, अपन क्या करते हैं थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। किसी भी चीज़ के लिए आपको थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड नहीं करना, आपको वही ऐप डाउनलोड करना है जो आपके मोबाइल का प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर आपको देता है। अगर आप वहाँ कोई ऐप डाउनलोड नहीं हो रही और उसको आप गूगल क्रोम में जाकर डाउनलोड कर रहे हो तो वो भी आपके लिए बहुत घातक हो सकती है, उससे भी आपका फ़ोन पे हैक हो सकता है। क्योंकि अगर आप वो ऐप इंस्टॉल करोगे और उसको आप परमिशन देकर रखोगे तो उस परमिशन से वो आपके फ़ोन पे में घुस के आप फोन पे की जो डाटा चोरी कर लेगा और वहाँ से पेमेंट ट्रांसफर कर सकता है। अब बात करते हैं परमिशन कैसे बंद करते हैं। सिंपली क्या करना है, आपको पहले एक तरह प्रोफाइल पर जाना है और आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लैंग्वेज, बिल नोटिफिकेशन, फिर परमिशन। इस परमिशन में आपको ओनली जो मैंने जिस पे मैंने टिक लगा रखी है, सिक्योर UPI पेमेंट, SMS सिक्योर पेमेंट, बिल पेमेंट, ये इसी पे क्लिक करना और किसी पे भी आपको क्लिक करके नहीं रखना। अगर आप चाहते हो अपना क्रेडिट स्कोर पता करना तो आप इसको भी ऑन कर सकते हो, ये आपको परमिशन देके रखना है। इसके अलावा नीचे सिक्योरिटी में दिख रहा होगा स्क्रीन लॉक, यहाँ स्क्रीन लॉक आपको हमेशा एक्टिवेट करके रखना है और वो अपना फिंगरप्रिंट होना चाहिए, और स्क्रीन लॉक भी ऐसा होना चाहिए कि वो दूसरा मोबाइल से उसको अनलॉक नहीं कर सकते। ये चीज़ें आपको करके रखनी है तभी आपका फ़ोन पे सिक्योर रहेगा। वैसे कोई आज तक किसी ने फ़ोन पे हैक नहीं कर पाया, अगर होता तो अब तक अपडेट आ चुकी होती, गूगल पे पता चल जाता आपको, नेट पर पता चल जाता आपको, न्यूज़पेपर में आपको पता चल जाता कि फ़ोन पे भी हैक होता है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप टाइम पे आपके फ़ोन पे अपडेट करते रहोगे और आपके मोबाइल में ऐसी ऐप इंस्टॉल करनी है जो ओनली गूगल प्ले स्टोर में मिले, गूगल क्रोम से अगर आप डाउनलोड करते हो तो आपका फ़ोन पे हैक हो सकता है। आपको पासवर्ड सही से लगा के रखना है, आउट पे वाली सेटिंग बंद करना है। अगर ये 3-4 चीज़ आप करते हो तो आपके फ़ोन पे कोई हैक नहीं कर सकता। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।